हाय वी आर बैक चैनल टीवी पे एपिसोड नंबर 2 और हमारे साथ है सबके चहेते विराट कोहली। तो विराट भैया आपने जो 39 शतक बनाया और आप मैन ऑफ द मैच मिला, आपको आपने सोचा था आप चैनल टीवी पे आएंगे? नहीं, मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे चैनल टीवी पे आने का इतना सुंदर मौका मिलेगा, इतना सुनहरा अवसर मिलेगा। आई थिंक ये मेरी 39 सेंचुरी और मैन ऑफ द मैच से भी बड़ा अचीवमेंट है कि मैं आज चहल टॉक शो पे आया, और ये मेरे लिए आई थिंक मेरे करियर का सबसे बड़ा ऑनर है। सर, तो जैसे आप जब बैटिंग करने गए आपको पता है लंबा टोटल था और थोड़ा 7 के रन रेट से चाहिए था, जब भी आप चेज करने जाते हैं स्पेशली क्रूशियल मैच था हमारे लिए, तो आपके माइंड में उस टाइम क्या था कि मतलब मैं किस तरह से अपनी इनिंग बिल्ड करूंगा या क्या दूसरों को भी पार्टनरशिप लेके चले? अगर बीच में जब वैडू भैया के साथ पार्टनरशिप ब्रेक हुआ तो उस टाइम थोड़ा सा और प्रेशर आ गया क्योंकि भाई भाई आए थे नए बैट्समैन, तो माइंड में आपके क्या चल रहा था? आई थिंक उस टाइम पे काफी जरूरी होता है कि थोड़ा गेम को स्लो डाउन करना, थोड़ा स्ट्राइक रोटेशन जरूरी हो जाती है, और जब माही भाई जैसे प्लेयर आते हैं तो वो ऑब्वियसली बहुत बात करते हैं बैटिंग के टाइम, तो उससे काफी मदद मिलती है। जब खुद को ऐसा लग रहा हो कि मुझे चांस लेना चाहिए या नहीं, तो वो आके हमेशा बोल देते हैं कि अभी बहुत टाइम है गेम में, तो इसीलिए हम दोनों साथ में इतनी अच्छी बैटिंग करते हैं क्योंकि हम लोग गेम को आगे लेके जाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम रन निकालते रहते हैं। बट बीच में जैसे एक फेज था 4-5 ओवर का जहाँ पे मैंने अटैकिंग बैटिंग करी, तो वो आई थिंक कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है, और इसीलिए आपको इंडियन टीम में सिलेक्ट किया गया क्योंकि आपको वो करना पड़ता है। तो आई थिंक उस चीज़ पे काम करना चाहिए मेंटली, और उस चीज़ के बारे में मैं काफ़ी सोचता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में मैं हूँ जहाँ पे टीम थोड़ी मुश्किल में है तो मैं जिता सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ, तो आई थिंक उस चीज़ से बहुत हेल्प मिलती है। जब आप मेंटली कन्विंस होते हैं तो फिर अपने आप जाके फील्ड पे परफॉर्मेंस होती है। तो माही भाई ने जैसे आज खेला, मतलब काफी टाइम से रन वेट कर रहे थे, लेकिन जैसा उन्होंने इनिंग कर खेली है पिछले मैच में, उस मैच में भी उन्होंने दिखाया कि वो कितना एक्सपीरियंस है, तो आप उनकी इनिंग्स को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? नहीं, वो उनका जैसे एक क्लासिक खेलने का तरीका रहा है काफी सालों से, आई थिंक उसकी थोड़ी आज, और जब आप मैच नहीं खेलते हैं काफ़ी स्पेशली इंटरनेशनल लेवल पे, तो मुश्किल होता है एकदम आते ही। आप ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ ही दिन हुए आए हुए, यू नो जेट लैग होता है, बॉडी टायर्ड होती है, इतना माइंड नहीं खुल पाता, इतना क्लियर नहीं हो पाता, हमने भी एक्सपीरियंस किया T20 में, एकदम आते ही आप नहीं एकदम फ्लो में खेल सकते, तो आई थिंक जितना वो खेलेंगे उतना उनको और फ्लो मिलेगा बैटिंग का, और अगर वो फ्लो में आ जाते हैं तो फिर एज अ टीम हम लोग भी बहुत रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि हम उन पर बैंक कर सकते हैं। तो आई थिंक वो एडिलेड में तो उन्होंने वैसे ही बहुत स्पेशल इनिंग्स खेली है, और इसीलिए उनको भी स्पेशल लग रहा होगा क्योंकि आज दोबारा आके एडिलेड में एक उन्होंने फिनिशिंग नॉक खेला है, तो हमको एज ए टीम ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है जब वो परफॉर्म करते हैं। चलो, आप काफी थक गए होंगे, पर लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, प्लीज चैनल टीवी पर प्रमोट कर दीजिए। देखिए भाई, चैनल टीवी पे आना है तो ऐसी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, नहीं तो कोई चांस नहीं है। जो सोनी बनाता है 5 विकेट नहीं लेता, वो चैनल टीवी पे कभी नहीं आ सकता। पिछले में रोहित आया था, इस बार मैं आया हूँ, तो आपको स्टैंडर्ड बताया, चैनल टीवी पे आने के लिए आपको 5 विकेट या 100 रन बनाने ही पड़ेंगे, नहीं तो ये भाई साहब टाइम नहीं देते। बस, थैंक यू सर।